जगाधरी रेस्ट हाउस में महिला कांग्रेस की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने शिरकत की। सुधा भारद्वाज ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए बधाई दी। आज जिले में महिला कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक टीम तैयार की गई है। शहरी क्षेत्र में हरमीन कोहली को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में उषा कमल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुधा भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल व रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जाकर महिलाओं को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 दिसंबर को महिला कांग्रेस की एक प्रदेश स्तरीय बैठक गुरुग्राम में रखी गई है, जिसमें पूरे हरियाणा से महिला जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी पहुंचेंगे और सरकार के खिलाफ रणनीति बनाई जाएगी। और यमुनानगर में हमने उषा कुमार जी को, उषा कमल जी को और हरमीन जी को दोबारा से जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, क्योंकि इनका अच्छे कार्य को देखते हुए इनको दोबारा से हमने यहाँ पे नियुक्त किया है। और हमारी जो प्रदेश के सेक्रेटरी हैं वो मोनिका डोमरा जी हैं, और ये इंचार्ज और हमारी मीडिया प्रभारी भी हैं यहाँ से इस पूरे स्टेट की। तो इस तरह से हम अपने डिस्ट्रिक्ट में भी पदाधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं। आज कुछ नियुक्ति पत्र हम देने के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हमारा मेन मुद्दा ये है कि सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ पूरा महिला संगठन जो है एकजुट हो रहा है, और हर जगह हम मजबूती से खड़े हैं सरकार के खिलाफ। आप देख रहे हैं कि जो इन्होंने महंगाई की मार की है उससे सबसे ज़्यादा महिलाएं पीड़ित हैं। महिलाओं के ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया है और बजट उनका बिल्कुल बिगड़ चुका है। सिलेंडर के कीमत देख लीजिए, चाहे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत देख लीजिए, चाहे सब्जी दालों की कीमत देख लीजिए। जो तेल था, सरसों का तेल 2014 में 90 रुपए था और अब 200 रुपए हो गया है। तो किस तरह से महिलाएं अपने घर का खर्चा चलाएं, तो सभी महिलाओं में पूरा रोष है। और हमें अगर ये ऐसे अच्छे दिन देना चाहते थे तो हमें ये ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए, और हम इस सरकार के खिलाफ बगावत पर, अब महिलाएं सभी इकट्ठी एकजुट होकर बगावत पर उतर आई हैं, और हम इसी तरह से आगे अपना रोष प्रकट करते रहेंगे, प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। और मैं हर जिले में दौरा करूंगी, और अभी हमारी 28 तारीख को गुड़गांव में मीटिंग है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग है पूरे स्टेट की। तो हम 28 तारीख को वहां पर सारी स्टेट इकट्ठी हो रही है और आगे की नीतियों के बारे में चर्चा करें। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।